Done? Bye bye. एक ग्रुप फोटो कर लेंगे। हाँ हाँ अच्छा रहेगा। अरे बैग लेके आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। बस बस हमारी स्टेज हो गई। ओके ओके हो गया। थैंक यू वहां पे हमारी स्टेज। बहुत एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट अभी मीडिया स्क्रीनिंग होके हटी है एंड अ लॉट ऑफ माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैव कॉल्ड मी और उनको बहुत बहुत पसंद आया। देव स्पेशली मैसेज्ड मी एंड कॉल्ड मी एंड सेड दैट उनको कुछ अलग देखने को मिला और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी, जिसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई होप व्हेन द शो इज़ लॉन्च्ड ऑन द 2nd आई बिलीव लोगों को भी बहुत बहुत पसंद आएगा एंड दे रियली ईगली वेट फॉर द नेक्स्ट लॉट टू बी लॉन्च। किस तरह का प्रेशर था आप बड़ी बेटी का क्या कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, साथ में आपकी तीन छोटी बहन हैं? प्रेशर तो कोई भी कैरेक्टर प्ले करने में, तो छोटी बहन होती तो भी कैरेक्टर प्ले करने पर प्रेशर होता, लेकिन ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था। ऑफकोर्स द कैरेक्टर इज़ वेरी काफ़ी ठहराव है कैरेक्टर में, रिस्पॉन्सिबल महसूस करती है वो अपनी छोटी बहनों की ओर और घर में एक शांत प्रिय और एक जैसे कैसे कहते हैं बड़ा योर एल्डर सिबलिंग होता है तो उसको हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। अगर कुछ नोकझोंक हो जाती है तो उसमें अपना बड़ापन दिखाना पड़ता है, तो उस सेंस में हाँ। एंड ऑल माई थ्री सिस्टर्स जो हैं, विच इज़ पारुल, आंचल एंड निकिशा, हम तीनों ने सेट पे बहुत बॉन्ड भी किया, तो वो एक ऑर्गेनिकली वो एक फीलिंग आ गई, यू नो, कि मैं आई एम द एल्डर सिस्टर। हाउ मच फन इट वाज शूटिंग इन मनाली? ओह, इट वाज सो मच फन, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। हमने मतलब मस्ती मजाक के बीच में फ्री टाइम में शूटिंग करी है। Did you guys get free time to do shopping over there because Manali is such a beautiful place? Not so much. I got one day. तो मैंने मनाली से खूब सारी शॉल्स खरीदी बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल देयर। जिनके पास फ्री टाइम था वो भी जाते थे मॉल रोड, लेकिन हम लोग डेफिनेटली कोशिश करते थे कि हम लोग एज अ टीम रात का जो डिनर है शूट के बाद, वॉट एवर टाइम इट इज़, हम लोग साथ में करें। तो आई थिंक वो मोमेंट्स जो हैं वो बहुत करीब हैं हम सभी के, द टाइम दैट वी स्पेंड टुगेदर। एंड हम लोग बिल्कुल एक मतलब ऐसा सर्कल बन गया कि एक दूसरे से अगर ज़्यादा टाइम बात नहीं करते, कुछ दिन बात नहीं करते, तो थोड़ा अजीब लगता है। मैं वही आज रुखसार को भी कह रही थी, अरे कितने दिन हो गए बात नहीं हुई, सो इट जस्ट फील्स वियर्ड। वेब सीरीज का क्रेज काफ़ी बड़ा है देखा जाता है आए दिनों में, क्या कहना है, और कहीं ना कहीं तो फिल्मों का क्रेज कम हुआ है इसके वजह, वेब सीरीज की वजह से ऑडियंस सब कंटेंट। हाँ नहीं, आई डोंट थिंक इसमें फिल्मों और डिजिटल कॉन्टेंट का फ़र्क है, इसमें कॉन्टेंट का फ़र्क है। आजकल ऑडियंसेस बहुत रियल हो गई हैं
उनको इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहिए है. जैसे फॉर एग्जांपल जब से बाकी सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स बाहर से यहाँ आए हैं, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन का जो मेट्रो सिटीज़ और ए टियर सिटीज़ हैं उनका जो एक व्यूअरशिप है वो काफ़ी वहाँ उस ओर चली गई है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सेट टॉप बॉक्स मैंने रिचार्ज ही नहीं करवाया है, आई थिंक डिसकनेक्ट हो गया है. सो इट्स जस्ट दैट यू नो ऑडियंसेस आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे वांट टू सी बेटर कंटेंट, दे वांट टू सी गुड कंटेंट. लेकिन ये बात जो है वो खाली फ़िलहाल के लिए खाली अर्बन पॉपुलेशन तक सीमित है. मासेस को अभी भी कॉन्टेंट मासी देखना है, कमर्शल देखना है. इस वजह से आई फील फ़र्क फिल्म और डिजिटल में नहीं है. फ़र्क ये है कि डिजिटल में आपके पास लिबर्टी है कंटेंट की. अभी हम रिसेंटली इतनी बड़ी फिल्म के बारे में सुन चुके हैं, देख चुके हैं. एक लिबर्टी, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो व्हाट ऑल यू हैव टू गो थ्रू, यू नो. एंड इट्स अनफेयर आई थिंक एज अ मेकर, एज अ विजनरी, एज समबडी हू हैज़ अ विजन, आपको वो लिबर्टी होनी चाहिए. और पहली बात, दूसरी बात ये कि विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स, हमारी क्या हो जाता है, हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो से हमारा जो सोशल सिनेरियो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड रहता है. उसकी वजह से पुरानी चीज़ें आज हम एज एन ऑडियंस या एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, रीति रिवाज हो, ट्रेडिशन हो, रिलीजन हो, हर चीज़ को इतना करप्ट और एडल्ट्रेट कर देते हैं अपनी इंटरप्रिटेशन से, अपनी मिस इंटरप्रिटेशन से. तो आई डोंट थिंक दैट इज़ फेयर. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग बून डिजिटल पे, जहाँ पे आपको वो एक्सप्रेशन का फ्रीडम मिलता है. तो विच इज़ वाई एवरीबडी इज़ यू नो गेटिंग डाइवर्टेड एंड वॉन्ट टू मेक स्टफ ऑन वेब, क्योंकि सेंसरशिप नहीं है. कोई उठ के बोल नहीं सकता आपने ये क्यों बनाया, आपने ये क्यों बोला, उसमें तो ये दिखाया है, उसमें तो वो दिखाया है. तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग बून एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न. प्लस आज टेक्नोलॉजी यहाँ चली गई है कि आप चलते फिरते आपके हाथ में आप सब कुछ देख सकते हैं, आप जब चाहें इंटरवल कर सकते हैं. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर ग्रेट पॉजिटिव्स एंड आई थिंक इसी चीज़ से हम लोगों को काफ़ी कुछ लेना चाहिए और फिल्म के कॉन्टेंट के बारे में 10 बार सोचना चाहिए वॉट वी ट्राइंग टू translate or transpire on the big screen also. मैंने फिल्म देखी नहीं है इसलिए मैं कॉमेंट नहीं कर सकती हूँ. आई एम श्योर उनका एक perspective होगा जिसकी वजह से उन्होंने, मैंने पूरी लेटर पढ़ी एक्चुअली, पर आई एम नॉट द राइट पर्सन एंड आई एम नॉट इन द राइट पोजिशन टू कॉमेंट ऑन इट बिकॉज आई हैवन्ट सीन द फिल्म. मैं देखना चाहूँगी फिल्म, बट आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज व्यूज. इफ दैट्स हाउ शी फेल्ट, शी मस्ट हैव, she's a very intelligent girl and I know her personally. So if अगर उन्होंने अपनी open letter में बहुत politely कुछ कुछ चीज़ें जाहिर की हैं जो उन्होंने महसूस की हैं, I'm sure उन्होंने किसी level पर कुछ feel किया होगा. So let's respect her and let's respect Mr. Sanjay Leela Bansali as a maker and I'm nobody to say anything because I haven't seen the film. अच्छा, movie देखने के बाद आप कुछ comment करना चाहेंगे? आप मिलेंगे तो देखूंगी, कमेंट कर दूंगी शायद. सीरीज में देखा जाए तो एक क्या जैसे सीक्रेट सुपरस्टार में एक क्लिप दिखाया था जिसमें फतवा जारी हो रहे हैं, कोई लड़की सिंगिंग कर रही है फ्रीडम के ऊपर, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? सी आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट. मैं एक दूसरे लेवल पे बात करूँगी. जैसे हमारा शो जो है हक से, वो पॉलिटिकल बैकड्रॉप है उसका, लेकिन वो पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, वो एक इमोशनल ड्रामा है. एक कहानी है चार बहनों की, उनकी माँ की, उनकी खाला की जो उनकी मासी हैं, और कश्मीर के सोशियो पॉलिटिकल हालात की वजह से वहाँ के रहने वाले जो वासी हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उस पर उस चीज़ का, उस कश्मीर के हालातों का क्या असर होता है इन डे टू डे लाइफ. जो हम रोज़ घर से, अपने ही घर से निकलने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़े हम अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब कुछ देती है, लेकिन कश्मीरी पीपल आर डिराइव्ड ऑफ दैट, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट, सॉरी. और ये जो स्पेशली लड़कियां, क्योंकि सोसाइटी अभी भी मिसोजिनिस्टिक है, पेट्रियाकल है, पुरुषों की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो औरतें दबी हुई हैं. उनके लिए ड्रीम करना या सपने देखना या ख्वाब देखना बहुत दूर की, वो ख़ुद में ही एक बहुत दूर का ख्वाब है.
क्योंकि उसको पूरा करने के लिए उन्हें डे टू डे लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने आसपास के लोगों के साथ, और ये कंडीशनिंग की बात है. तो आई थिंक वो जो ओप्रेस्ड हमारे डिज़ायर्स और एस्पिरेशंस होते हैं, बिकॉज़ हम चारों बहनें शो में जो हैं वो एजुकेटेड हैं, तो हमें हमारे माँ बाप लकीली कश्मीर के हालातों के बीच में भी बहुत काफ़ी लिबरल मिले हैं. एंड दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि लोगों को कैसा होना चाहिए. यू नो, सेक्सिज्म नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब सेकेंडरी है. प्राइमरी ये है कि वहाँ का मेल या फीमेल पॉपुलेशन रोज़ किसी चीज़ के साथ जूझता है एवरी डे. तो वो कंडीशनिंग ही ख़राब है क्योंकि हालात ख़राब हैं. तो पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, इसलिए मैं पॉलिटिकली कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी. दैट इज एकता'स कॉल. आई होप शी डज अ सीज़न 2. As an actor, does it create a fear in your mind that one wrong dialogue and people can really judge you on that? They're most welcome to judge me. If I think it's relevant for the script, I will say it. If I think it's, you know, my maker or my director has, with a lot of thought, you know, made that a part of dialogue or maybe some sort of behavior a part of it, I'm going to follow my script at the end of the day because that's my job. If I'm saying yes to a script, matlab, I'm saying yes to everything in the script, and I'm saying yes to doing everything and saying everything in the script. So I don't think that is my call, and I don't really care log kya sochte hain. My basic objective is to be true to any script or any piece of work that I'm doing, and I will always do it. Thank you. Thank you. Thank you.